हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस की ग्राफिक एनिमेशन में आप सबका। देखिए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में कैसे नेम और डेट ऑफ बर्थ कैसे ऐड कर सकते हैं, और साथ ही हम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को A4 साइज़ पे कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले हम फाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ पर ओपन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। हमने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। देखिए ये हमारी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है। ठीक, हमें क्या करना है, देखिए आपके सामने यदि ये लेयर्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले विंडो को जाएंगे, यहाँ पे लेयर्स का ऑप्शन है, सॉरी ये नहीं है, ये आपके सामने लेयर्स का ऑप्शन है। F7 इसका शॉर्ट फॉर्म है। आप अपने कीबोर्ड का F7 प्रेस करेंगे तो लेयर्स का ऑप्शन हट जाएगा। दोबारा F7 क्लिक करेंगे यानी प्रेस करेंगे तो ऐप के लेयर्स का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। ठीक, उसके बाद इस पर डबल क्लिक करना है, देन ओके कर देना है। ठीक, इतना हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए आपको मैंने जूम ऑलरेडी बता रखा, ऑल्ट प्रेस करेंगे और जो माउस का जो थर्ड बटन आता है, जो सर्कल वाला ऑप्शन आता है, उससे हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आता है आपका रेक्टेंगल टूल, यहाँ पे देखिए एक रेक्टेंगल बनाएंगे इतना बड़ा। ठीक, कंट्रोल टी करेंगे, देखिए कंट्रोल टी करने के बाद ये स्केल हो जाता है। देखिए अब बड़ा करना चाहे छोटा करना चाहे, और इसकी यदि आपको हाइट ही बढ़ानी है तो शिफ्ट दबाएंगे और देखिए जितना बड़ा आपको। ठीक है, यदि आप शिफ्ट नहीं दबाते, देखिए पूरा जो हमने बॉक्स क्रिएट कर रखा है वो बढ़ने वाला है। ये आप शिफ्ट दबा के बढ़ाएंगे तो अपने अकॉर्डिंग ये बढ़ेगा, देखिए ऊपर नीचे से जैसे बढ़ाना है बढ़ेगा। उसके बाद हमने क्लिक कर लिया, देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पे आउटलाइन आ रहा है, यहाँ पे आपका आउटलाइन, इसको 0 कर देंगे। ठीक, और यहाँ पर आपका कलर आता है, यहाँ पर जो भी आपको कलर चूज़ करना है, जो रेंडमली कलर दिया होता है वो लगा सकते हैं, और यदि आपको अपने अकॉर्डिंग कलर लगाना है तो यहाँ पे क्लिक करें और कोई सा भी आप अपने अकॉर्डिंग कलर चूज़ कर सकते हैं। ठीक, हम चूज़ करेंगे ये वाला, देखिए वाइट पन में ये वाला कलर ओके कर देंगे। ठीक, यहाँ पे आता है आपका टेक्स्ट टूल। ठीक, देखिए टेक्स्ट टूल पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर लिख देंगे हम नेम, रेंडमली आपके पास जो भी नाम है, आपका नाम या जिसकी फ़ोटो बना रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए आप, राहुल, थोड़े देर पे राहुल कुमार। कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल टी करना है, कंट्रोल टी से आपका करेक्टर का जो ऑप्शन है वो खुल के आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपका कलर आता है, आपको जिस कलर में टेक्स्ट का कलर रखना है, हम ब्लैक में रख देते हैं। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका फॉन्ट साइज, फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज हम रख देते हैं ओपन सेल्स, हम रख देते हैं ओपन सेल एक्स्ट्रा बोर्ड। ठीक, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, कंट्रोल टी करते हैं और इसको ऑल्ट दबा के इसको बड़ा कर देते हैं। देखिए ठीक, इसको सेंटर। ठीक, यदि आप चाहते हैं पूरा अपर केस ना रहे, आप यदि चाहे पूरा अपर केस ना रहे तो आप यहाँ से देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए, इसको टाइटल केस भी कर सकते हैं, बट ये अपर केस में ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसलिए हम अपर केस ही रखेंगे। ठीक, इसको थोड़ा सा नीचे दोबारा टी प्रेस करेंगे, एंड में जाएंगे, एंटर दबाएंगे, आप डाल दीजिए डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए 12, आप यहाँ पे डॉट भी डाल सकते हैं, 12.1994। आप यदि 12 ना डाल के अभी यहाँ पे नवंबर डालना चाहे, चलो दिसंबर डालना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे, देखिए जो डेट ऑफ बर्थ है उसको थोड़ा सा छोटा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये है, इसके बीच की स्पेसिंग थोड़ी हम कम कर देते हैं और इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे, देखिए इतना है, और देखिए स्पेसिंग भी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डालते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, देखिए इसको सेलेक्ट किया थोड़ा सा नीचे,
अब इस बॉक्स को सेलेक्ट किया कंट्रोल टी और इसको शिफ्ट दबाते इसको थोड़ा सा नीचे, ठीक। आप यदि चाहे इस बॉक्स का कलर वाइट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, देखिए प्रॉपर वाइट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए आपने नेम ऐड कर दिया, उसके नीचे जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है वो भी ऐड कर दिया। अब डेट ऑफ बर्थ को आप रखेंगे, देखिए एक्स्ट्रा बोल्ड ना रख के हम इसको रखेंगे रेगुलर, ठीक, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक। इतना हो चुका है हमारा, ठीक। इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, इसको सेलेक्ट किया शिफ्ट दबा के रखेंगे, इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ई कर देंगे। अब तीनों, ये तीनों कंबाइंड हो गया, मतलब तीनों मर्ज हो गए। अब कंट्रोल टी करना है, ऑल्ट दबाना है, इसको थोड़ा सा छोटा करना है। देखिए अब इसमें हम बॉर्डर लगा देंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर हम करेंगे स्टॉप। यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं, आपको इससे पहले ही बता रखा मैंने, इनसाइड पे करना है और आपको करना है 4 फीट, 3 कर देते हैं। और यहाँ से आप जो भी कलर चूज़ करना चाहें, रेड ब्लैक जो भी हो, हम ब्लैक रखेंगे, ओके कर देंगे, ठीक। इतना हमारा हो चुका है, इतना होने के बाद हम जाएंगे फाइल के अंदर, यहाँ पर न्यू का ऑप्शन है, हम करेंगे A4 साइज एंड क्रिएट। ये वाली फ़ोटो को आप ड्रैग करके इस वाले पेज पे ले जाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, देखिए कंट्रोल टी करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक, ऑल्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे, इसको देखिए यहाँ पे लगा देंगे, ऑल्ट शिफ्ट, ऑल्ट शिफ्ट, ऑल्ट शिफ्ट, देन ऑल्ट शिफ्ट, ठीक। एक फोटो और बन जाएगी हमारी, और शिफ्ट, देखिए ऊपर वाले फ़ोटो को सेलेक्ट किया और नीचे गए, यहाँ पर शिफ्ट दबाया, कंट्रोल जी कर दिया हमने, कंट्रोल टी, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसको लेफ्ट कर देंगे, देखिए ठीक। अब एक ग्रुप बन गया है, देखिए पूरा एक ग्रुप में आ गया है। अब क्या करेंगे, ऑल्ट शिफ्ट इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे, ठीक, फिर ऑल्ट शिफ्ट, हम ग्रुप में ही काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट, ऑल्ट शिफ्ट, देन अगेन ऑल्ट शिफ्ट। देखिए आपकी फ़ोटो बन चुकी है, ये बन चुका है, देखिए हमारी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के बॉटम में हम नेम एंड डेट ऑफ बर्थ कैसे ऐड करते हैं इसके बारे में हमने आज की वीडियो में सीखा। ये हमारी फ़ोटो बन चुकी है, इन सभी ग्रुपों को हम क्लोज कर देते हैं, देखिए ठीक। अब इन सबको पकड़ के कंट्रोल जी कर देंगे, देखिए अब एक ग्रुप में बन गया ये सारा, ठीक। देखिए दोस्तों हमारे फोटो के नीचे हमने नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऐड करना हमने सीख लिया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।